ग्रीक बहाती चाहंग महासभा के प्रदेशाध्यक्ष श्रीकंठ चौधरी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस में से ओबीसी वर्ग से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, जिसका खामियाजा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जबकि पूर्व में ओबीसी वर्ग से सरकार कोई भी हो, दो या तीन मंत्री बनते हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय अपने हक की लड़ाई लड़ता आया है और हकों के लिए आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। सोमवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में श्रीकंठ चौधरी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ओबीसी के लगभग 50% वोट बैंक हैं, इसके बावजूद भाजपा ने इस फर्क को अनदेखी किया है। ओबीसी से प्रत्याशी बनाने को लेकर 6 माह पूर्व सांसद शांता कुमार को पत्र लिखा गया, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। शांता कुमार ने गद्दी समुदाय से संबंधित प्रदेश सरकार के मंत्री किशन कपूर को टिकट दिलवा दी। श्रीकंठ ने कहा कि अब हमारी मांग है कि कांग्रेस ओबीसी से संबंधित पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व सीपीएस नीरज भारती या फिर पवन काजल को टिकट दी जाए। उन्होंने कहा कि चंद्र, नीरज या काजल को टिकट दी गई तो ओबीसी समुदाय जीत सुनिश्चित करेगा, अन्यथा महासभा अपना प्रत्याशी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनावी रण में उतारेगी। 31 मार्च को महासभा की बैठक रखी गई है। इससे पहले कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से किसी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया, तो उसी दिन महासभा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। मैं श्रीकंठ चौधरी गिरदवाती चांग महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसलिए कि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ओबीसी की हिमाचल में मोर देन 50% है। हमने हमारे जो हिमाचल के 4 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें से 2 सीटें हमने ऊना और कांगड़ा की मांगी थी। रीजन ये था कि 50% पॉपुलेशन है, साथ में ऊना और जो कांगड़ा क्षेत्र है इसमें हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% ओबीसी की पॉपुलेशन है। तो हमारे जो है वो बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर कर दी, हमारी बात नहीं मानी गई और हमें टिकट नहीं दी। आज अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर करना, हम कांग्रेस हाईकमांड को ये मैसेज देना चाहते हैं प्रेस के बंधुओं के द्वारा कि जो इस बात को गंभीरता से लें और जो है वो हमारा ओबीसी का कैंडिडेट जो है वो कांगड़ा क्षेत्र से जो है वो उतारे, उसके लिए हमने जो है वो हमारे पास हमारे एक बहुत ही पढ़े लिखे और सीनियर नेता हैं चौधरी चंद्र कुमार जी, अगर उनको नहीं टिकट देनी है तो हमारे पास युवा नेता हैं नीरज भारती जी और पवन काजल जी, उनको टिकट दी जाए। पूरी गिरदवाती चांग महासभा जो है उनको जिताने में कोई कसर नहीं रखेगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इन लोगों को टिकट मिलती है तो हम 2 लाख से ऊपर वोटों से इन लोगों को जिताएंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर आपकी तरफ से क्या फैसला जी? अगर टिकट नहीं मिलती है तो 31 तारीख को हमारी जो बरादरी ने मीटिंग रखी है, हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। पर जो इन्होंने एक लोकतंत्र का तकाजा, मैंने पहले बोला कि हर किसी को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और कोई टाइम था कि जो मेरी बरादरी के जो जिसकी ओबीसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 40% पॉपुलेशन है, उसके जो लोग हैं चौधरी हरिराम जी हैं, राम रखर मल जी ऊना से हैं, ये लोग जो है वो कांग्रेस के फाउंडिंग फादर रहे हैं। अपने फ्रीडम फाइटर पालमपुर से ताराचंद जी हैं, वो कांग्रेस के 20 साल जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उस टाइम जो है वो कांग्रेस के जन्मदाता ही जो है वो चौधरी लोग रहे हैं। बैलों की जोड़ी निशान हुआ करता था, चौधरी समझते थे हमारी घर की पार्टी है। आज जा करके जब पार्टियां निरिच हो गई तो हमें जो है वो हाशिए पर ले आ रहे हैं, पर हाशिए पर अब जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में भी, अगले 2022 के इलेक्शन में हम बता देंगे कि चौधरियों की जो है वो लोकतंत्र में जरूरत है कि नहीं है। हम अपना जो कुल मिला के माना जाए कि आप कांग्रेस को हराने का काम करेंगे, कुल कांग्रेस को जो हमें रिप्रेजेंटेशन देगा हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों का हम बहिष्कार करेंगे अगर हमारे लोगों को टिकट नहीं दी गई। सर, आपने भाजपा से टिकट मांगी जी, और सर पिछली अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पिछले 2 बार से चौधरी पर ही दाव खेल रही है, चौधरी चंद्र कुमार 2 बार उम्मीदवार रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप फिर से मांग कर रहे हैं? ऐसे है कि इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है। मैंने देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकर जी,
वो भी एमपी का इलेक्शन लड़ा तो उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, वो भी इलेक्शन हारे थे। और समता कुमार जी के छोटे से वर्कर मानचंद राणा से जो है वो दो बार इलेक्शन हार चुके हैं, तो हार जीत चलती रहती है। परंतु इस टाइम हवा जो पूरी चंद्र कुमार जी के पक्ष में है, जहाँ जो दूसरे दो युवा नेता उनके पक्ष में है, इनको टिकट दी जाए तो ये भारी बहुमत से जीतेंगे।